Chapter number 6 and 7, right? This is your last chapter. CPM and PERT. Okay? Now, पहले differentiate करते हैं, फिर समझते हैं क्या CPM होता है और क्या PERT होता है, right? जैसे suppose there are two students, one is A and one is Mr. A. Now, what is the difference between A and Mr. A? A who is appearing fourth time for CA final first group. Right? And Mr. A is appearing first time for CA final. Which group? First group. अभी A को मालूम है कि suppose there are four papers. 1, 2, 3 and 4 कि मुझे कितना टाइम लगेगा अभी चौथा अटेम्प्ट हो गया राइट है कॉस्ट लाइक अकाउंट्स में 10 डेज एफएम में 10 डेज ऑडिट एंड लॉ में 8 एपीएस को टोटल कितना लगेगा 20 and 36 डेज लेकिन मिस्टर ए हु इज अपीयरिंग फर्स्ट टाइम फॉर सीए फाइनल उसको कैसे पता चलेगा कि चार पेपर को प्रिपेयर करने में कितना टाइम लगेगा वेरी लॉजिकल क्वेश्चन फर्स्ट टाइम अपीयर हो रहा है सीए फाइनल में उसको कैसे पता चलेगा कि ये चारों पेपर को प्रिपेयर करने में मुझे कितना टाइम लगेगा बताओ प्रीवियस स्टूडेंट राइट वेरी गुड नाउ प्रीवियस स्टूडेंट ऐसा भी हो सकता है सपोज फर्स्ट रैंकर से वो मिल गया इट्स नथिंग फर्स्ट ग्रुप यू नो एक बार आदमी पास हो जाता है तो फिर उसको लगता है अरे कुछ नहीं है ठीक 8 डेज आ रहे ना अकाउंट्स एंड सेम या फिर को इससे मिल गया ये वेरी ऑप्टिमिस्टिक या फिर वो इससे मिल गया बाई चांस बोले बाबा डोंट टेक चांस था सी माई हालत था इसकी बात मत सुन यू टेक लीव ऑफ 60 डेज तेरे को बार बार देने का है क्या एग्जाम देने का है क्या चाह बार बार एग्जाम लिखने का है क्या तो डोंट टेक चांस नाउ इज टोटली कंफ्यूज चला एक जन बोलता है 8 डेज ये बोलता है 60 तो अब वो क्या लेता है दोनों के बीच का कि चलो दोनों के बीच का लेता है लाइक सपोज 34 एंड इट मीन्स व्हाट इज द लॉजिक या व्हाट इज द मोरल ऑफ द स्टोरी इन सीपीएम यू ऑलवेज नो द ड्यूरेशन ये आपका क्या हुआ एक प्रोजेक्ट है आपका प्रोजेक्ट क्या है कि प्रिपरेशन ऑफ सीए फाइनल ये उसकी एक्टिविटीज है अकाउंट्स एफएम लॉ ऑडिट राइट ये उस एक्टिविटी के ड्यूरेशन है और आपको बताना है कि व्हाट इज द टोटल ड्यूरेशन सीपीएम क्रिटिकल पाथ मेथड अ पाथ हैविंग ए लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन इसका मतलब आपको कैसे पता चलेगा सीपीएम है या पर्ट है सीपीएम रहेगा तो आपको हमेशा पता रहेगा कि व्हाट इज द ड्यूरेशन एक बिल्डिंग आपको बनाना है आप कंस्ट्रक्शन में है राइट आप बहुत सारी बिल्डिंग्स बनाते हैं आपको पता है हाँ यार कितनी बिल्डिंग्स बनाने में मेरे फ्लैट में बनाने में मेरे को कितना टाइम लगेगा लेकिन कोई पर्सन है अगर वो वर्ली का सीलिंग बना रहा है अब उन्होंने पहली बार बनाया है तो उनको कैसे पता चलेगा तो या तो वो ऑप्टिमिस्टिक लेंगे या पेसिमिस्टिक लेंगे फिर दोनों के बीच का लेंगे उसके बाद भी ओआर आपको क्या देता है एक फॉर्मूला कि एक्सपेक्टेड ड्यूरेशन इक्वल टू ऑप्टिमिस्टिक टाइम प्लस मोस्ट लाइकली 4 टाइम प्लस टीपी डिवाइडेड बाय 6 इसका मतलब इन सीपीएम यू ऑलवेज नो द ड्यूरेशन बट इन पर्ट यू हैव टू फाइंड आउट द ड्यूरेशन सुन आप कैसे निकालेंगे इसको फॉर्मूला को पुट करो जो भी ड्यूरेशन आएगा हाँ दिस इज ए एक्सपेक्टेड ड्यूरेशन 4 टाइम्स किसको मल्टीप्लाई करोगे आप 34 को प्लस करो 60 प्लस करो 8 और डिवाइड करो 6 से तो आपका एक्सपेक्टेड ड्यूरेशन आ जाए अब आप बोलोगे ठीक है अब क्या रहता है ये आपका क्या हुआ प्रोजेक्ट ये उसकी क्या हुई एक्टिविटीज तो कौन कौन सी एक्टिविटीज हैं आपके पास नाउ एक्टिविटी 0 दिस इज 1, 2, 3 एंड 4 उनके ड्यूरेशन आपको क्या दे रखे हैं
duration is 10, 10, 8, 8. Yes or no? फिर आपको क्या बनाना है? Network. Network means what? Always start from left and goes to right. Suppose 0 to 1 activity, 1 to 2 activities, 2 to 3 activities and 3 to 4 activities. What is the duration? 10, 10, 8, 8. Total duration आपका क्या हुआ? 36. आपको ये बताना है कि ये project को complete करने में, पूरे preparation में अपने को कितना time लगेगा? अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ सकता है, सर ये तो ऐसे ही टोटल करेंगे तो ही आ जाएगा, ये सब बनाने की क्या जरूरत है? आप ये भी तो क्वेश्चन पूछ सकते हो ना, जस्ट आप टोटल कर लो ना भाई, अकाउंट्स में कितना टाइम लगेगा, एफएम में कितना लगेगा, लॉ में कितना, ऑडिट में कितना, फिर ये पूरा नेटवर्क बनाओ और ये लिखो, इसकी क्या जरूरत है? हम तो डायरेक्टली कर सकते हैं. कभी कभी क्या रहता है, जैसे सपोज अकाउंट्स है, अकाउंट्स में आपके क्या है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, और वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपके कहां पर है? ऑडिट में भी. जब आप इंडिविजुअल सब्जेक्ट का प्रिपरेशन टाइम कैलकुलेट करोगे तो आपको दोनों में लेना पड़ेगा, लेकिन दोनों का अगर अपन टोटल करेंगे तो रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि आपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ऑडिट में भी ले लिए और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपने अकाउंट्स में भी ले लिए. तो ये नेटवर्क का क्या जॉब है? अगर कुछ कॉमन टाइम है उसको क्या कर देगा? रिमूव. मैं आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के लिए एक ही बार टाइम लेना पड़ेगा ना, दोनों में थोड़ी लेंगे अपन. तो वो जो कॉमन रहेगा उसको ये क्या कर देगा? रिमूव, और नेटवर्क निकाल के आपको सीपीएम आ जाए. सीपीएम आपको क्या देगा कि ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में आपको कितना टाइम लगेगा. बाकी इज वेरी सिंपल, लॉजिक लगाने का कुछ नहीं है. मैं आपको ऐसी टेबल दे दूंगा, हर स्टेप पे वेरिफिकेशन दिखा दूंगा, 10 मार्क आपके पॉकेट में, दूसरा ज्यादा सोचने का नहीं. लिखो जरा मीनिंग ऑफ सीपीएम, ब्रैकेट में लिखो क्रिटिकल पाथ मेथड, मीनिंग ऑफ सीपीएम, क्रिटिकल पाथ मेथड. ए पाथ इज हैविंग ए पाथ इज हैविंग ए लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन, ए पाथ इज हैविंग ए लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन इज नोन एज क्रिटिकल पाथ. ए पाथ इज हैविंग ए लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन इज नोन एज क्रिटिकल पाथ. ओके, एंड इट इज जस्ट इक्वल टू प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम. ओके, अब आपको एग्जाम में क्या रहेगा, आपको एक्टिविटीज देके रखेगा, उसका ड्यूरेशन देके रखेगा, और मैक्स टू मैक्स आपसे क्या पूछ सकता है, उसके लिए आप जरा रेफर करिए क्वेश्चन नंबर 324. मिला? एक्टिविटी है अपने पास 1 to 2, 1 to 3, 2 to 3, 2 to 4, 3 to 4, और आपको ड्यूरेशन दे रखा है. इसका मतलब जजमेंट हो गया आपको, ये क्या है? सीपीएम. क्योंकि पर्ट रहेगा तो आपको क्या दे के रखेगा? ऑप्टिमिस्टिक टाइम, पेसिमिस्टिक टाइम और मोस्ट लाइक. इसका मतलब ये क्या हो गया? सीपीएम. अच्छा, विद द हेल्प ऑफ एक्टिविटीज गिवन अबव ड्रॉ ए नेटवर्क, डिटरमाइन द क्रिटिकल पाथ. मैक्सिमम एग्जाम में यही दो चीज पूछता है, ड्रॉ द नेटवर्क और फाइंड आउट द क्रिटिकल पाथ. लेकिन मैक्स टू मैक्स क्या पूछ सकता है? अर्लीएस्ट स्टार्ट टाइम, अर्लीएस्ट फिनिश टाइम, लेटेस्ट स्टार्ट टाइम, लेटेस्ट फिनिश टाइम, टोटल फ्लोट, फ्री फ्लोट, इंडिपेंडेंट फ्लोट, और आगे ऐड कर दो इंटरफियरिंग फ्लोट. मैक्स टू मैक्स अपने से एग्जाम में ये. अब जैसे अपन ने ट्रांसपोर्टेशन में किया था, धीरे धीरे आपको लेके चलता हूं, एक साथ अपन सारी चीजें कैलकुलेट करेंगे नहीं.
आफ्टर एक घंटे के बाद आपको पूरा कॉन्फिडेंस आ जाएगा, ठीक है। अब आप बुक को आप इस तरह से यूज करना, क्योंकि मेरा कैलकुलेशन दो पेज में जाएगा, राइट। सो यू यूज योर बुक लाइक दिस, ओके। तो पहले आप लिख लीजिए एक्टिविटी, एक्टिविटी देन ड्यूरेशन। एक्टिविटी है अपना 1 to 2, पूरे 2 पेजेस लगेंगे मेरे को, हाँ आगे जाके पूरा कैलकुलेशन आएगा, ओके। 1 to 2, 1 to 3, बोलो 1 to 4, नहीं 2 to 3, 1 to 3, 2 to 3, देन 2 to 4, 3 to 4, एंड बस, एंड ड्यूरेशन 3, 7, 5, 8, 4। अब नेटवर्क अगर अपने को ड्रॉ करना है, कभी भी नेटवर्क क्रॉस होगा नहीं, ऐसे नहीं होगा, ये हो गया, इसका ऐसे गया, फिर ऐसे आ गया, फिर एकदम स्ट्रेट जाएगा आपका नेटवर्क, ओके। थोड़ा 2-4 सम प्रैक्टिस करोगे तो नेटवर्क ड्रॉ करना आ जाएगा, राइट।